अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, अब तक 33 जिलों से नुक्कड़ बहस, और अब देखिए यूपी के कासगंज से नुक्कड़ बहस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला कासगंज, कासगंज के सूरों में ही महाकवि तुलसीदास का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार जिले के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सड़कें खराब हैं, उच्च शिक्षा संस्थान एक भी नहीं है, सीवर भी नहीं है। यहाँ लोगों को कानून व्यवस्था से ज्यादा निजी असलहों पर भरोसा करना पड़ता है। कोई उद्योग ना होने के कारण बेरोजगारी की वजह से पलायन बढ़ा है। कासगंज में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, बीएसपी के पास केवल 1 सीट है, जबकि बाकी दोनों सीटों पर एसपी काबिज है। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार है कासगंज। एटा का हिस्सा था, 2008 में ये जिला बना, लेकिन न पहले और न बाद की राजनीति ने इसे कुछ ऐसा दिया जिस पर कासगंज जिला गर्व कर सके। यहाँ हमारे साथ जनता भी है, जनता से बात करेंगे कि क्या नेताओं ने दिया, किस बात पर गर्व है, और नेताओं से बात करेंगे कि आखिर कासगंज को उन्होंने क्या दिया। हमारे साथ सबसे पहले परिचय करा दें, समाजवादी पार्टी से प्रदीप रघुनंदन जी हैं, नीरज शर्मा हैं बीजेपी से, डॉक्टर शशि लता चौहान हैं कांग्रेस से, और राजकुमार जाटव हैं बीएसपी से। लेकिन हम सबसे पहले जनता से बात करना चाहेंगे, क्या है यहाँ पर, क्या खास चीज़ है जिस पर आप लोगों को गर्व हो? कोई खास चीज़ नहीं है इस पर हमें गर्व किया जाए कासगंज की शहर में। क्या है कासगंज में? कोई खास चीज़ कासगंज में नहीं है, और वास्तव में किसी भी नेता ने इस कासगंज की ओर नहीं देखा, और कासगंज में केवल उपेक्षा करते हैं ये लोग। और ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या चाहते हैं? अभी विकास चाहते हैं, और इसमें 2008 में जब जिला बना था तभी विकास हुआ था, और इसके बाद में जो 2012 में जो कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या कोई शिक्षा संस्थान, मेडिकल कॉलेज कुछ है आप लोगों के पास? कुछ नहीं है, सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा इस बारे में, जैसा 8 में था वैसे के वैसे पूरे जगह सही है। क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं है अब तक जो है, वर्तमान सरकार ने यहाँ बह भूख भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। एक नेता होने के नाते आप लोग किसी भी पार्टी से हों, लेकिन क्या नहीं लगता कि एक शर्मिंदगी महसूस होती? देखिए, जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, कासगंज एक ऐतिहासिक भूमि है, आदि तीर्थ क्षेत्र सोरों, यहाँ की राजनीति ने यहाँ को क्या दिया? यहाँ की राजनीति विकास की ओर बढ़ रही है, और ये सही है कि जिस तरह का विकास हम अपेक्षा करते हैं अपने राजनीतिज्ञों से, वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि कल्याण सिंह जी भी यहाँ से चुन के गए, और इतने बड़े ओहदे के व्यक्ति चुन के गए, तो कासगंज की जनता को ये अपेक्षा थी कि इसको समुचित विकास मिलना चाहिए। कल्याण सिंह भी यहाँ पर रहे, कुछ मिला नहीं? कल्याण सिंह जी की सरकार एक वर्ष उत्तर प्रदेश में रही, राजनाथ सिंह जी की सरकार भी रही, उस समय कासगंज की ओर विशेष ध्यान दिया गया। माननीय राजनाथ सिंह जी ने सोरों की तीर्थ स्थल घोषित किया, लेकिन उसके बाद की सरकारों ने उस पर कतई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ घोषित हुई। हमारा कासगंज जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत पिछड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछड़ा जिला है, लेकिन हम गौरवान्वित हैं कि यहाँ तुलसी पैदा हुए, अमीर खुसरो पैदा हुए, बलबीर सिंह रंग पैदा हुए, ये एक ऐतिहासिक नगरी है। उस हिसाब से कासगंज को कुछ नहीं मिला है। आने वाली सरकार से मैं अपेक्षा करती हूँ कि कासगंज का जिस हिसाब से गौरवशाली इतिहास है, उसी तरह का यहाँ विकास हो। आपकी सरकार आती है नहीं आती है, इस बार क्या स्थिति है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि टिकट का बंटवारा पैसे देकर के होता था, इसलिए पहले भी हारी, और अब वो छोड़ रहे हैं। जाने वाला आदमी पार्टी पर कोई ना कोई आरोप तो लगाता ही है, और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है पूरे भारतवर्ष में जो बिना पैसे की चलती हो। ये किसी ने कह दिया कि पैसा लेकर के टिकट, मानी बहन जी टिकट नहीं दी, अब मैंने तो एक रुपया भी नहीं दिया, मानी बहन जी ने मेरा टिकट किया है, यहीं कासगंज से हसरतुल्ला शेरवानी नाम है मेरा, वो कोई पैसा नहीं लिया गया। जिस तरह से भगदड़ है बीएसपी में, आपको लग रहा है दोबारा आप आई? नहीं, भगदड़ कोई नहीं है, एक स्वामी प्रसाद माननीय मौर्य जी के जाने से कोई भगदड़ नहीं है, सरकार दोबारा बन रही है, पूरे बहुमत की बन रही है, 300 सीटें से कम नहीं आएंगी। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो माननीय बहन जी पर भरोसा कर रही है, और भरोसा करके ही उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा बहन जी को लेकर के आ रही है। और माननीय भाई साहब, भगदड़ आपके यहाँ भी है, हालांकि कांग्रेस का यहाँ पर कोई जमीन अब बच नहीं रही है, लेकिन आपके यहाँ भी जो है रोज नेता बदले जा रहे हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में कोई भगदड़ वास्तव में नहीं है। कांग्रेस ही जो है वो हर हाल में कांग्रेस के साथ है, ना वो कहीं इधर जा रहा है ना उधर। लेकिन प्रभारी रोज बदले जा रहे हैं? प्रभारी रोज नहीं बदले जा रहे हैं, ये तो पार्टी की एक व्यवस्था है। माननीय वो थे मिस्त्री साहब थे मधुसूदन जी, अब माननीय गुलाम नबी आजाद साहब हैं। कुछ कर पाएंगे यहाँ पे, यहाँ जमीन पे कुछ कर पा रहे हैं? बिल्कुल जमीन पर करवा रहे हैं, और बिल्कुल जमीन पर बूथ स्तर से लेकर के काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। और जमीन में तो कांग्रेस है ही है, जमीनी हकीकत कांग्रेस की है। पार्टी कौन सी आ रही है? समाजवादी पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी, ये दावा विकास के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो हमारे नेतृत्व ने 265 प्लस का नारा दिया है वो तो पूर्ण होने ही जा रहा है, लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास दोहराएगी और 300 प्लस के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये सही है, लेकिन जब जिला बनता है उसको संसाधन संपन्न बनाने में वक्त लगता है। हमारी सरकार ने पूरा फोकस किया है, और जब ये जिला अस्पताल बनके तैयार होगा तो मैं समझता हूँ ये उच्च स्तरीय चिकित्सा का केंद्र होगा और जनता की समस्या। सिर्फ राजनीति के कारण है सपा और बसपा, क्या योगदान ईमानदारी से इन्होंने दिया है इस ज़िले को? इस ज़िले को ईमानदारी से किसी ने नहीं तोला है, कोई ऐसा उद्योग या कारखाना यहाँ नहीं लगा जिससे सभी धर्म सभी वर्गों के लिए। हम ये नहीं कहते कि जो क्या नहीं दिया है सिर्फ उसकी बात, क्या विजन है आपका, क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले हमारा जो विज़न है कासगंज के अंदर सीवरेज सिस्टम कराना है। मैंने जो पहले भी मंजूर कराया हुआ था, यहाँ की सीडी बनी हुई है, लेकिन बीजेपी की जो चेयरमैन थे उन्होंने ज़मीन तलक नहीं दी थी जो सीवरेज सिस्टम लगता है यहाँ पर। या कासगंज के अंदर आज भी इतनी गंदगी है कि बदबू फैलती है, लेटरिनों नालियों में बहती है। और कासगंज के अंदर माननीय बहन जी ने ज़िला बनाया है, और ज़िला हॉस्पिटल जो होगा इतना लेटेस्ट हॉस्पिटल होगा कि आगरा दिल्ली और क्या नाम है अलीगढ़ दौड़ने सपना है, और बेहद खूबसूरत सपना है, क्योंकि जो कासगंज की जनता है वो बहुत ही बेसिक चीज़ों को चाहती है, यानी शिक्षा संस्थान हो, मेडिकल की सुविधा हो, जलभराव में शहर डूबे ना, और सीवर की व्यवस्था हो। सिर्फ इन बेसिक चीज़ों को जनता चाहती है, और अगर नेता सिर्फ इन बेसिक चीज़ों को दे दें तो यहाँ की जनता बेहद खुश होगी। रविकांत, एबीपी न्यूज़, कासगंज।